भिवंडी क्राइम ब्रांच ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी के 10 मामलों का किया खुलासा। लैपटॉप व मोटरसाइकिल तथा मोबाइल फोन समेत कुल 9.25 लाख का माल बरामद। भिवंडी क्राइम ब्रांच पुलिस ने 2 अलग अलग कार्रवाई में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर मोबाइल फोन की चोरी, घर फोड़ी तथा वाहनों की चोरी जैसे 10 मामलों का पर्दाफाश किया है, जिनके पास से पुलिस ने 9,24,800 रुपए कीमत का चोरी हुआ माल बरामद कर लिया है। यह जानकारी सहायक पुलिस आयुक्त शेखर बागड़े ने भिवंडी क्राइम ब्रांच यूनिट 2 के कार्यालय में आयोजित पत्रकार परिषद में दी है। उन्होंने बताया कि दिन ब दिन बढ़ रही चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए थाने आयुक्तालय द्वारा दिए गए आदेशानुसार भिवंडी क्राइम ब्रांच के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक योगेश आवहार ने पुलिस की एक विशेष टीम का गठन किया था, जो कोन गांव पुलिस स्टेशन में दर्ज घर फोड़ी मामले की जांच कर रही थी। पुलिस ने जब घटना स्थल पर लगी सीसीटीवी फुटेज की जांच की, जिसमें 3 संदिग्ध आरोपियों का पता चला और आरोपियों ने घटना को अंजाम देने के बाद जिस मार्ग से निकले थे, पुलिस ने उन सभी मार्गों पर लगे सीसीटीवी कैमरा फुटेज को खंगालना शुरू किया, जहां पुलिस ने कोनगांव, रांचनोली, मानकोली, अंजुरगांव, डोंबिवली इन सभी मार्गों पर लगे 35 से 40 सीसीटीवी फुटेज को खंगाला, जिसके बाद पुलिस टीम ने तकनीकी व गुप्त जानकारी को बिना पर डोंबिवली निवासी शुभम प्रदीप खरट मोल 22 वर्ष और किस्मत अली अमजद अली अंसारी उम्र 23 वर्ष निवासी कुर्ला मुंबई को गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे कड़ी पूछताछ में पुलिस ने 4 घर फोड़ी और 4 मोटरसाइकिल चोरी के 8 मामलों का खुलासा किया है। उक्त आरोपियों ने कोनगांव पुलिस स्टेशन, बदलापुर पुलिस स्टेशन, अंबरनाथ, नेहरू नगर, कुर्ला मुंबई, मुहिम मुंबई और नवी मुंबई इन सभी पुलिस स्टेशनों की सीमाओं में चोरी घर फोड़ी की घटना को अंजाम दिया था, जिनके पास पुलिस ने विभिन्न कंपनी के 5 लैपटॉप तथा मोटरसाइकिल सहित कुल 6,94,800 मूल का सामान बरामद किया है। इसी तरह पुलिस को सूचना मिली कि भिवंडी के 3 आरोपी नामक आबिर शेख, साबिर सैयद और मोनू गुप्ता, इन लोगों ने भंडारी कंपाउंड इलाके में मोबाइल की दुकान में घर फोड़ी की घटना को अंजाम देने के बाद चोरी के अनेकों मोबाइलों, फोन, एसटी स्टैंड के पास बिक्री करने वाले। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके से मोहम्मद आबिद अबरार शेख उम्र 22 वर्षीय, साबिर तारिक सैयद उम्र 21 वर्षीय और मोनू विनोद कुमार उम्र 22 वर्षीय को गिरफ्तार कर चोरी घर फोड़ी के 2 मामलों का पर्दाफाश करते हुए 2,30,000 रुपए कीमत का माल जब्त कर लिया है। इसके अलावा उक्त आरोपियों ने कुछ मोबाइल फोन कहीं बिक्री कर दी है, जिसकी जांच पुलिस कर रही है।